सरबजीत हेलो। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, मैं ना बहुत बार फोन मिलाया लेकिन आपसे बात नहीं हो पा रही। आज बात हुई है, मेरे को 2.5 महीने पहले मैंने वो दवाई मंगवाई है, वो जो कौनसिला और दो तीन अश्वगंधा और मैंने वो तो मंगवाया था। थोड़ी सी मेरे को ना हार्ट की प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, हार्ट प्रॉब्लम। तो वो मैंने इसलिए मंगाया था, जो वो नींबू वाला नुस्खा, और दूसरा जो दर्दों के लिए मंगवाया था जी। तो मेरी तो दर्दें पहले से भी बढ़ गई, और 2.5 महीने हो रहे खा रही हूँ मैं, एक हफ्ते से अब बंद किया हुआ है। अच्छा, कितना कितना खा रहे हैं ये दर्दों के लिए जो खा रहे हैं आप? आपको बताते हैं ना कि आधा आधा ग्राम। अच्छा, ये सब मिक्स है ना? हाँ जी, अच्छा, देखिए, ये जब इसमें मिक्स हो गई तो आपको 2 ग्राम सुबह 2 ग्राम शाम खाना है। वो तो गौनसिया आपके पेट में आधा ग्राम जाएगा, बाकी चीज़ें दूसरी हैं जो इसके साथ काम करती हैं। अच्छा, लेकिन आप बहुत कम खुराक ले रहे हैं, यानी जहाँ आधा ग्राम ले रहे हैं वहाँ एक बच्चे की खुराक जा रही है आपके पेट में। तो इसको 2-2 ग्राम सुबह शाम लें और दूध से लें, कम चर्बी के या पानी से लें। तो इससे फ़ायदा नहीं होना था, और इस तरह से लेंगे और फिर भी दर्द बढ़े तो दर्द की गोली 5 दिन तक लगातार इसके साथ खाना। वो काम तो करता है लेकिन पूरा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी दवा नहीं है। अच्छा, ये जो सिरके वाली चीज़ आप ले रहे हैं, इसमें आप कम से कम 5-6 महीने लेना है आपको, तब आप इसमें आराम महसूस करेंगे। ये थोड़ा देर से फ़ायदा करता है, लेकिन इतना ज़रूर हो सकता है कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं और डायबिटीज़ चेक कराएं या कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, तो उसमें तखफीफ मिल सकती है, उसमें कमी मिल सकती है, जितने दिन आपने यूज़ किया उतने में ही। तो आप पुरानी रिपोर्ट और फिर नई रिपोर्ट मिलाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, आपको फ़ायदा हो रहा है। जल्दबाजी मत करना और 5-6 महीने ये नुस्खे दोनों लें। उसके बाद हो तो फिर उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो सब भगवान ही। आपको तरीके से दवा लेनी पड़ेगी अपनी पूरी क्वांटिटी में, और भगवान को से मदद मांगनी पड़ेगी, तभी फ़ायदा हो सकता है। मैंने तो अपना आपको मशवरा देकर, सच्चा मशवरा आपको बता दिया, और इसी नुस्खे से बेशुमार लोग रोज़ फ़ायदे में जाते हैं। आपके लिए भी दुआ गो हूँ कि आपको भी भगवान फ़ायदा दे दे। जी।